हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाने जा रही हूँ पनीर रोल। बहुत टेस्टी होते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये बर्तन में एक कटोरी मैदा लिया है। आप चाहे तो उसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैदे से ये ज्यादा अच्छे बनते हैं, आटे से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल। ऑयल डालना जरूरी है, उससे थोड़ा सॉफ्टनेस आएगी, वरना बहुत हार्ड से हो जाएंगे, अच्छे से चबाए नहीं जाएंगे। अब ये डाल दिया है मैंने ऑयल इसमें, और इसको पहले अच्छे से ऑयल को इसमें मिक्स कर लेंगे। आपका ऑयल जैसे ही इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से आटे में, तो यहाँ पे हम मैंने पानी लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदिएगा। बहुत ज्यादा इकट्ठा एक साथ पानी में डालिएगा, वरना जो हमारा डो है वो बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा गीला इसको नहीं बनाना है, तो नॉर्मल एक जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है इसको। ये देखिएगा, आटा गूंथ लेते हैं। तो ये जो हमारा डो है ये रेडी हो गया है। इसमें मैं हल्का सा ऑयल डाल दूंगी, और ऑयल डाल के ये देखिएगा इस तरीके से इसमें ऑयल डाल के इसको यहाँ पे ढक के रख दूंगी। यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, और अब हम साथ में शुरू करते हैं इसकी जो हम इसमें फिलिंग करेंगे वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गैस में रख दिया है, और इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो कम कर सकते हैं, चाहे तो ज्यादा भी कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा, इसमें यहाँ पे मैंने लिए है, ये देखिएगा, अब मैंने लिया है प्याज, इस तरीके से उनको महीन काट लिया है, और शिमला मिर्च। आप चाहे तो इसमें रेड और येलो बेल पेपर भी यूज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ग्रीन वाली यूज करी है। और बाकी मैंने पनीर के क्यूब्स लिए, उनको इस तरीके से कट कर लिए, देख सकते हैं आप। तो अपने अकॉर्डिंग आप सब्जियां और चाहे और ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये 2 करी हुई है इसमें। तुम्हारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी सबसे पहले ये वाला प्याज। इसमें देखिए सब्जी हमने पूरा अच्छे से कुक नहीं करनी होती है, हल्का हल्का इनको सौते करना है, क्योंकि इसमें जो क्रंचीनेस आती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो पहले ये सारा प्याज डाल दूंगी। ये प्याज हल्का सा भुन गया है, इसमें मैं डाल दूंगी ये शिमला मिर्च। पनीर हम लास्ट में डालेंगे जब हमारा पूरा मसाला वगैरह सब डल जाएगा, क्योंकि अभी पहले डाल के पनीर के पीसेस जो है वो कट जाएंगे पूरे, तो वो हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार लीजिएगा आप, जितना कम ज्यादा लेते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब यहाँ पे डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने तीखी वाली डाली है, कुटी लाल मिर्च डाली है, अपने अकॉर्डिंग कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है जीरा पाउडर, और इसको आप फ्लेम कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे चला लेंगे। तो ये देखिएगा मसाला जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो का केचप, ये मैंने रेड चिली वाला लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो प्लेन वाला भी ले सकते हैं। ये देखिएगा इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी ओरिगैनो, ये फ्लेवर के लिए अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो ये मुझे पसंद है तो मैंने इसलिए इसमें ऐड करा है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं ऐड करूंगी यहाँ पे पनीर के पीस, और इसको यहाँ पे अच्छे से चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। ये देखिएगा पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये हमारी जो फिलिंग है वो बन के रेडी हो गई। गैस यहाँ पे मैं बस इसको 2-3 मिनट चला के इसको यहाँ पे गैस कर दूंगी बंद। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं, अब यहाँ पे मैं कर दूंगी गैस बंद, और अब हम चलते हैं पराठे बनाने की प्रोसेस की। तो देखिए पराठे बनाने के लिए मैंने ये ले लिया, जो हम रोल बनाएंगे उसके लिए मैंने एक इस तरीके से गोला ले लिया है, और अब रोलिंग सरफेस में थोड़ा सा आटा हम डालेंगे और इसको अच्छे से बेल लेंगे। जैसा पराठा बेलते हैं, रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसा ही बेलना है। बस ये ध्यान रखिएगा मोटा मत बेलिएगा, पतला पतला बेलिएगा इसको, ठीक है। तो ये देखिएगा पराठा हमारा बन चुका है इसकी वो, और इसको मैं डाल दूंगी अब तवे में। तो ये देखिएगा तवे में डाल दिया है, और इसको ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत लो फ्लेम पे मत सेकिएगा, वरना कड़कड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैदे का बनाया है। तो इसको हल्का सा मैं एक तरफ से सिकने देती हूँ, फिर इसमें हम ऑयल लगाएंगे। तो ये देखिए एक तरफ से हो गया, इसको हम पलट लेंगे और इसमें अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ऑयल अच्छे से लगाइएगा, और उसके बाद इसको इस तरीके से पलट देंगे, और फिर दूसरी तरफ से भी अच्छे से इसमें ऑयल लगा लेंगे।
और उसको इस तरीके से दबा दबा के अच्छे से सेकिएगा, क्योंकि मैदा है तो पकना अच्छे से चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। पूरा दबा के इस तरीके से अच्छे से, जब इसमें इस तरीके से कलर आ जाए, देख सकते हैं आप ये पकेगा अच्छे से। तो ये पूरा इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के प्रेस करके इसको सेकिएगा। तो ये देखिएगा सिक गया, इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसको ये ध्यान रखिएगा गरम गरम में ही हमें करना है, ठंडा नहीं करने देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेयर लगाऊंगी टमेटो सॉस की, और अब यहाँ पे लगाऊंगी पहले मेयोनीज, यहाँ पे हल्का सा डालूंगी, ज्यादा नहीं। और अब यहाँ पे हम डालेंगे ये सब्जियां जो हमने बना के रखी थी, ये देखिएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये इस तरीके से, और अब इसमें ऊपर से मेयो जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। जब सॉस के साथ ये मेयो मिलता है तो वो एक अमेजिंग टेस्ट देता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और इसको तुरंत हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो ये देखिएगा इसको इस तरीके से करिएगा। यहाँ पे ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा दीजिएगा ये पूरा फोल्ड करके, और नीचे से क्योंकि वो लीक ना हो उसके लिए इसको इस तरीके से बंद कर दीजिएगा। और ये हमारा अमेजिंग रोल बनके, बिल्कुल पनीर रोल बनके रेडी है। तो मैं इसको प्लेट में रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रोल बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसको बीच से कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कट नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो कट करके दो पार्ट में भी इसको कट करके खा सकते हैं। और ये ऐसे ही देखिएगा आप, इसमें मेयोनीज और टमेटो सॉस का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। जरूर ट्राई करिएगा, और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, साथ में आपको भी पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।